हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर। तो देखिए बेसिक है और सिंपल है। तो सपोज कर आपको गिवन है 24 का स्क्वायर, आपको मालूम करना है। तो देखिए सिंपल आपको क्या करना है, इसके तीन स्टेप से। पहले आप इसका स्क्वायर लो, ठीक है, मतलब आपको पहले 4 का स्क्वायर लेना है, जो नंबर इधर इसका स्क्वायर लो। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हम यहाँ लिखेंगे 16। उसके बाद क्या करना है आपको, जो ये नंबर है आपको स्क्वायर लेना है इसका, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, जो भी नंबर ये ब्रैकेट के अंदर है, जो भी नंबर ये ब्रैकेट्स के अंदर है, उनको आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को मतलब 2 × 4 करना है, आपको मिलेगा 8। अभी आप 8 का डबल कर दो, तो 8 का डबल कितना आता है 16। तो आपको 16 लिखना है, बट ये जो लास्ट का नंबर छोड़ दो, यूनिट यूनिट 10 100, तो लास्ट का ना आपको यूनिट इसको छोड़ देना है। तो आपको सिंपल यहाँ 16 लिखो, 16 लिखेंगे आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, सबको ऐड करो, तो 6 ये प्लस 7 ये प्लस 5, तो 576 आपको 24 का स्क्वायर मिल गया, 576। अगर आपको नहीं समझा तो एक और एग्जांपल लेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सपोज कर आपको गिवन है 46 का स्क्वायर। ओके, तो पहले स्टेप आप दोनों का इसका स्क्वायर लो, फिर आप इसका स्क्वायर लो। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर 36, तो मैं लिखेंगे 36। अब 4 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर है 16, तो यहाँ लिखेंगे 16। ओके, फर्स्ट स्टेप एक बार इसका स्क्वायर लेना है, देन आपको एक बार इसका स्क्वायर लेना है और साथ में लिखना है। सेकेंड स्टेप क्या है, जो भी नंबर अंदर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, मतलब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 6 में आप कितना मिलेगा, 6 × 4 = 24। अभी आपको इसको डबल करना है, तो 24 का डबल कितना होता है 48। अब आपको ये 48 लिखना है, बट आपको ऑलवेज ये जो लास्ट नंबर इसको छोड़ देना है, तो आप यहाँ लिखो 48। अब इसको प्लस कर दो, तो कितना मिलेगा 6 8+3 11, कैरी 1, ये मिला आपको 11, कैरी 1, ये आपको मिलेगा 2। ओके, तो आपको आ गया आंसर। तो देखिए सिंपल है, आप कोई भी नंबर स्क्वायर इजीली ले सकते हैं। ओके, सपोज करो मैंने यहाँ पर लिया, समझो लिया 14, ठीक है, सिंपल छोटा नंबर। तो पहले आप इसका स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर क्या है 16। ओके, और 1 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, सिंपल सी बात है। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो जो नंबर अंदर है, तो 1 × 4 आपको क्या मिलेगा 4। अब इसका आपको डबल करना है, तो 4 का डबल कितना होता है 8। तो आपको लास्ट नंबर छोड़ देना है, यहाँ पर लिखो आप 8, तो दोनों को प्लस कर दो, तो 6 8+1 9, और इधर पाएंगे आपको 1, तो 196 आपको मिल गया 14 का स्क्वायर। ओके, सपोज कर आपको और बिगर नंबर लेंगे, समझो आपको दिया है 86, आपको इसका स्क्वायर लेना है। ओके, तो पहले आप सिंपल रूल, आप इसका स्क्वायर लो 6 का, फिर आप लो 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है आपको मालूम है, 6 का स्क्वायर होता है आपको 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36। 8 का स्क्वायर क्या है, 8 × 64, 8 का होता है आपको 64, तो यहाँ लिखेंगे 64। नाउ अभी नेक्स्ट स्टेप क्या, आपको देखो तो जो नंबर अंदर है उसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। ओके, सो अभी हमको हम डबल करना है, तो देखो 8 6 कितने होते हैं 48। अभी आपको 48 का डबल करना है, तो सिंपल उसको हम क्या करेंगे, 48 को अगर आपको डबल करना है, सब सिंपल क्या करो, इसको 48 का पैसे ले सकते हैं, 40+8 कर दो, तो 40 का डबल कितना होता है 80+8 का डबल कितना 16 होता है, तो 80+16 कितना आपको मिलेगा सिंपल 96। ये आपको अपने माइंड में ओरली आप कर सकते हैं। देखिए 40 का डबल हमने लिखा 80, और 8 का डबल हमने लिखा 16, तो 80+16 आपको 96। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर 96 लिखना है, बट आपको ऑलवेज ये लास्ट का नंबर रिमूव करना है, छोड़ देना मतलब, तो 96 यहाँ लिखेंगे, दोनों को प्लस करो, 6
सिक्स प्लस नाइन नाइन, ये आपको मिलेगा 13, कैरी वन ये मिले आपको 7, बस आपको आंसर आ गया।